व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आपने टाइटल से देख ही लिया होगा कि आज वरानिका का बर्थडे है, तो अभी सुबह सुबह सबसे पहले मैं जा रहा हूँ वरानिका के लिए फ्लावर्स लेने। यहाँ पर फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन होता है, तो सबसे पहले वरानिका के लिए फ्लावर्स लेने चलते हैं। उसके बाद आज हमारा प्लान है जू जाने का। यहाँ व्रोसफॉर्म में जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहाँ का बहुत ही अच्छा जू है, तो आज आपको यहाँ का जू भी दिखाता हूँ और बहुत सारी चीज़ें प्लान करी हुई हैं। तो लेट्स गो गेट फ्लावर्स एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। ये सामने यहाँ का फुटबॉल स्टेडियम है, कल हम मैच देखने गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पोलैंड में ऐसी ये फ्लावर शॉप्स होती है। I have something for you. Wow, they're so beautiful. Nice. Yes, thank you. They're beautiful. Excited to go to the zoo? Yes, we gotta go. When did you go last time? Years ago. No, in Wrocław years ago, but last time we went in Singapore. In Singapore, yeah. Welcome. Happy birthday. Welcome. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday. Thank you. Always happy. And long, long age and healthy life. Thank you. Oh my God, thank you guys. Thank you. This is your cake, Veronica? Yes. All right, see you at the zoo. See you. पता नहीं क्यों बट जू के बाहर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है आज। आप लोग कितने टाइम बाद आए हो जू? हम तो कभी जब तुम छोटे थे बचपन में तब इंडिया के जू गए थे, दिल्ली के। 25 साल हो गए। तो आपको तो बहुत अच्छा लगेगा यहाँ का, क्योंकि ये बहुत अच्छा जू है। अच्छा, वीकडे में इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट भीड़ बहुत ज्यादा है तो कुछ भी ढंग से नहीं देख पा रहे, बट आज मौसम बहुत ही प्लेसेंट है तो वॉक करने में मजा आ रहा है। तो जू से तो वापस आ गए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी यार। मैंने अब लंच के लिए यहाँ पर ही सुशी लाए हैं। सुशी फॉर यू। बर्गर्स फॉर एवरीवन। सुशी तो दिखने में बहुत बढ़िया लग रही है। बाकी सबके लिए बर्गर, ये वीगन बर्गर है सारे। हाउ इज इट? तो अब लंच वगैरह करने के बाद हम जा रहे हैं मम्मी पापा को लैंड दिखाने, जो हमने लैंड ली थी उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, जो हम अपना घर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ बनाना। तो वो वाली लैंड दिखा के लाते हैं सबको। यू वांट टू शो इट टू देम? या ऑफ कोर्स। ऑलराइट, लेट्स सी। मतलब बहुत ही जल्दी बस हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना घर, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि विंटर्स में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होती, तो अब फाइनली हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक सारी पेपर वर्क परमिशंस में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, उसी में ऑलमोस्ट 8-9 महीने गुजर गए। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई लैंड परचेज कर रहे हो तो नेक्स्ट डे ही वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा दो। अराउंड 8-9 महीने लगते हैं सारे परमिट लेने में, तो वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, अब बस बनवाना स्टार्ट करना है। इसीलिए मम्मी पापा को भी लैंड दिखाता हूँ, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम फिर सब आएंगे तो अपने नए घर में ही रुकेंगे। तो मैंने तो आपको हमारी लैंड पहले भी दिखाई थी, बट फिर से दिखा देता हूँ। ये जो पूरी आप पीछे देख रहे हो, दिस इज़ द लैंड। बिल्कुल बस अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी है यहाँ पे, एंड अराउंड 6-7 महीने साल भर लगेगा पूरा घर बनने में। उसके बाद मैं आपके साथ पूरा हाउस टूर शेयर करूँगा, इतने सारे लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं। कैसी लगी आपको लैंड? बढ़िया लगी एकदम।
एक मकान तो तेरा स्टार्ट भी हो गया बनना वहाँ किसी का, धीरे धीरे बन जाएगा। हाँ बस अब करा देंगे स्टार्ट बनाना इसको। बढ़िया लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल पीसफुल है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। What are we talking about? About the construction. सो गाइस लैंड वगैरह देखने के बाद हम वापस आके रेस्ट वगैरह कर रहे थे एंड आज हमें निकलना है हमारी यूरो ट्रिप के लिए। जैसा मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं पूरी फैमिली को इस बार एक यूरो ट्रिप पे लेके जा रहा हूँ, रोड ट्रिप पे। तो आज हमें जाना है यहाँ पोलैंड से वियना ऑस्ट्रिया। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है एंड आज तक मैंने आप लोगों को दिखाई भी नहीं है। तो आज हमें निकलना है यहाँ से वियना ऑस्ट्रिया के लिए। अराउंड 5.5 घंटे की ड्राइव है एंड घर वालों का भी फर्स्ट टाइम होगा यूरोप में एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना बाय रोड, तो वो एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ पूरा शेयर करता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली वेरोनिका हमारे साथ नहीं आ रही, एज यू नो का काम है। बट इस ट्रिप से वापस आने के बाद हमने एक और ट्रिप प्लान करी हुई है, उसमें वेरोनिका जाएगी। बट अब पहले लेट हो रहे हैं, यहाँ से निकलते हैं, चलो। ईशान I'm glad I remembered. It's so you. Bye. See you, bye. चेक रिपब्लिक स्टार्ट है, आ गया बोर्ड बस। तो यहाँ चेक रिपब्लिक पहुँच गए हैं, यहाँ से अराउंड 2.5-3 घंटे की ड्राइव हो रहा है। एक बार सब वॉशरूम वगैरह यूज़ कर रहे हैं। अगर आप यूरोप पे कहीं भी हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो तो वॉशरूम का एक्सेस सिर्फ फ्यूल स्टेशन पे होता है एंड फ्यूल का प्राइस यहाँ चेक रिपब्लिक में पोलैंड से महंगा है। आई थिंक पोलैंड में फिर भी कंपैरेटिवली अभी भी पूरे यूरोप में सबसे सस्ता फ्यूल है, अराउंड 130-140। यहाँ पर भी अराउंड 160 रुपये है एंड थोड़े बहुत कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं रोड के लिए। कैसा लगा आपको अभी तक का रास्ता यहाँ तक का? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा भाई, ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में घूम रहे हैं, स्वर्ग में आ गए, जन्नत में घूम रहे हैं। अब वहाँ रुकेंगे चेक रिपब्लिक में, मतलब 1 घंटे दूर सिटी है जहाँ इंडियन वो करेंगे, इंडियन खाना खाएंगे। हाँ ठीक है, तो लंच के लिए जिस सिटी हम रुके हैं इसका नाम है बर्नो। चेक रिपब्लिक की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है ये एंड ये इसका जो मेन हिस्टोरिक ओल्ड टाउन है। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा है तो वहाँ जाके लंच वगैरह करते हैं एंड यहाँ से सिर्फ 1.5 घंटा रह गया वियना। लंच के लिए ये रेस्टोरेंट ढूँढा है, बुधा इंडियन एंड नेपाली क्यूजीन। तो इस सेम रेस्टोरेंट पे मैं पहले भी आ चुका हूँ जब मैं ऋषभ वेरोनिका वगैरह पहले भी आना जा रहे थे। जो हमने मंगाया था कढ़ाई पनीर, दाल मखनी और शाही पनीर अभी आया नहीं है। तो ये पूरा बर्नो का यहाँ सेंटर है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है एंड इतना लाइवली भी नहीं है जितना अगर मैं कंपेयर करूँ पोलैंड वगैरह से। सिटी तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब बिल्कुल अननोन सिटी है। अगर कोई भी चेक रिपब्लिक आता है तो मोस्ट प्रॉब्ली सब प्राग ही जाते हैं। बट अगर आपको थोड़ी लेस क्राउडेड सिटी में जाना है जहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती तो मैं आपको बर्नो भी रिकमेंड करूँगा, बहुत सिमिलर लुकिंग है प्राग के। आप ये मेरे सामने स्टैचू देखो, इतना अजीब सा स्टैचू बनाया हुआ है ये इन्होंने, बहुत एक फेमस स्टैचू है ये पूरी सिटी का। इसका मीनिंग मुझे नहीं पता, ये पता ही सोर्स की इतनी लंबी टांगे क्यों हैं, पढ़ना पड़ेगा, वही मैं देख रहा था कि पता नहीं क्या मीनिंग है इसका। बहुत लंबी टांगे हैं हॉर्स की, तो कुछ ना कुछ मीनिंग है। जिराफ की टांगे लगा दी हॉर्स में, गाड़ी यहाँ स्ट्रीट पे लगाई थी, इतना डर लगा था कि कोई टिकट ना मिले क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजिंग था कि कहाँ आप गाड़ी लगा सकते हो। इवन दो हमने पार्किंग टिकट ली थी बट फॉर्चुनेटली कोई टिकट वगैरह नहीं मिली। ऑस्ट्रिया चालू है, तो यहाँ वियना तो पहुँच गए हैं। बट सबसे बड़ी दिक्कत वियना आके हमेशा ये होती है
की पार्किंग की जो टिकट है वो यहाँ पर कोई मशीन नहीं लगी होती, उसके लिए आपको यहाँ की नियर बाई टबैको शॉप जाना पड़ता है, वहाँ पर वो स्लिप देते हैं, वो आपको मतलब मैनुअली फिल करके लगाना होता है कि आप कितनी देर पार्किंग करोगे। ये चीज़ इतनी ज़्यादा इनकन्वीनियंट है एंड मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर पार्किंग स्लिप लगाना, वरना फ़ाइन बहुत ज़्यादा है ऑस्ट्रिया में। मेरी 2 बार फ़ाइन हो चुका है, बट मैंने फॉर्चुनेटली ऐप डाउनलोड कर ली यहाँ की, वो भी पूरी जर्मन में थी, किसी तरह फिगर आउट करके अब पार्किंग लगाई है, अब जाके एयरबीएनबी में चेक इन करेंगे। बट ये सारी चीज़ें गाइस मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सुबह 11 बजे निकले थे एंड 7 बज गए यहाँ वियना पहुँचते। सो आई रियली होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवन ऑलरेडी एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।